सस्मिक लोड या अर्थक्वेक लोड। चलिए यस इसके इनपुट के ऊपर चलते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं सस्मिक लोड एक्स, और यहाँ से सस्मिक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोड सेलेक्ट कर लेंगे। 2016 नया है लेकिन इसमें है नहीं, तो 2002 के ऊपर से चलेंगे हम। IS 1893 2002 एड न्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद वाई में कर लेते हैं, यहाँ से सस्मिक। और ये हम सेमी ऑटोमेटिक होता है, ये हम असाइन करेंगे, कुछ कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर ई टैप, तो इसलिए Yes. सेमी ऑटोमेटिक की तरह काम करता है। एड न्यू हो गया, यही ना इनपुट ओके जो है हम प्रोवाइड करेंगे, या पार्शियल ऑटोमेटिक होता है, तो इस चीज को देख लेते हैं जरा। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, जब हम मॉडिफाई में गए तो यहाँ कई सारी चीजें ऑन हो गई। अब मैं आप ये छह चीजें टिक किया हुआ आप इसको भूल जाइएगा। अभी मैं अभी आपको एक के ऊपर बता रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन, जब अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, सही रहेगा। डिफाइन लोड पैटर्न, अरे क्या हो गया, ठीक है। अब ये एक्स डायरेक्शन है मेरा, इस डायरेक्शन में एक्स है और इस डायरेक्शन में वाई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो एक्सेलरेशन जो है, मतलब एक्स डायरेक्शन प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, जो वेव मेरा जनरेट हो रहा है, जो ग्राउंड में कहीं पर अर्थक्वेक आया, मतलब किसी जगह पे अर्थक्वेक आया, कहीं पे अर्थक्वेक आया, उसके कारण वेव निकलेगा। मान लीजिए ये कोई जगह है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो इससे वेव निकलेगा। अब ये जो वेव निकलता है, ये वेव निकला, इसके तीन कंपोनेंट होंगे। ये सेस्मिक वेव जो है, सेस्मिक वेव है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे। एक मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में, एक मूव करेगा, मूव नहीं करेगा, इसका कंपोनेंट हम ले रहे हैं। ये मूव तो एक ही डायरेक्शन में करता है, हम इसका कंपोनेंट लेके डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे। जो इस तरफ अर्थक्वेक आया, अब इसको सेस्मिक लोड या अर्थक्वेक लोड एक्स बोल देंगे, इधर जो लोड हमने कंपोनेंट लिया अर्थक्वेक लोड वाई बोल दिया, और इधर जो है अर्थक्वेक लोड जेड बोल दिया या सेस्मिक लोड बोल दिया, जो भी बोल दिया, ठीक है। जेड वाला अपने लोग को नहीं करना है क्या? अब है नहीं, इसमें दिया हुआ फीचर कहीं है ही नहीं जेड का, वर्टिकल उसको अर्थक्वेक करते हैं और चल जाता है। बिल्डिंग में उतना कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। अब जैसे ये ग्राउंड का सरफेस है, तो जो ये टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट या फॉल्ट पोजिशन होता है, उसके कारण मान लो जमीन के नीचे कहीं पे वाइब्रेशन हुआ, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ या डिस्टर्ब हुआ, तो ये एनर्जी यहाँ से रिलीज करती है। तो ये कैसे भी रिलीज कर सकती है, और रिलीज करके मान लो कि बिल्डिंग मेरा यहाँ पे है, तो ये यहाँ तक मूव करेगी। एक तो डायरेक्ट मूव कर सकती है, और यहाँ जाकर के सरफेस के थ्रू मूव कर सकती है। तो मैं इसके अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा आदमी डिटेल में चला जाएगा। तो ये मूव करके यहाँ पर हिट की, यही हिट करने के बाद जो है ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हम इसका कंपोनेंट लेकर के अपनी जो बिल्डिंग होती है उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये जहां पर अर्थक्वेक आया उसको फोकस बोलते हैं, और उसके ठीक वर्टिकल अप जो होता है वो ईपी सेंटर होता है। अब ये देख लेना, उल्टा है कि सही मुझे याद नहीं आ रहा, ईपी सेंटर, ठीक है। इतना अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए कभी अलग से वीडियो वीडियो बना करके अपलोड कर लूंगा। हमारे जो काम का चीज है, एक्स वाई और जेड में आया। अब ये जो अर्थक्वेक नहीं आता है, ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वेव के रूप में निकलता है, जिसका कुछ अपना एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन मूव करता है। तो अर्थक्वेक आकर के इस डायरेक्शन में, मान लो एक्स डायरेक्शन में हिट किया, ठीक है, तो इस बिल्डिंग की क्या कैपेसिटी है, उसके अगेंस्ट में एक रेसिस्टिव फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेस शेयर। क्या नाम देते हैं? बेस शेयर। अब ये बेस शेयर क्या हो गया कि ये जो मान लो ये एक्सेलरेशन कोई आया, अर्थक्वेक आया, इसको हिट किया, तो इसको रोकने के लिए अगर बिल्डिंग हम हल्का बना देंगे तो बेस शेयर उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा, बिल्डिंग भारी बना देंगे उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा। अगर ये पटना में है तो दूसरा बेस शेयर जनरेट होगा, दिल्ली में है तो कुछ और होगा, जोन का इफेक्ट आएगा। और अगर सॉयल अगर अलग अलग टाइप का है तो अलग अलग बेस शेयर जनरेट होगा। तो ये बेस शेयर डिपेंड करता है कि हमारा सॉयल कंडीशन क्या है, और बिल्डिंग किस टाइप की और कहाँ पे लोकेटेड है, कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये बेस शेयर जो है, एक्चुअली में आप इस तरह से समझिए कि एक टेबल है, टेबल पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये फ्रिक्शनल टेबल है, न्यू की बराबर है। तो हमने कोई फोर्स लगाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, ये एफ एक्सटर्नल है, या फिर बोल लीजिए यही जो अर्थक्वेक फोर्स हो जा रहा है, तो यहाँ नीचे फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो ये रेसिस्टिव फोर्स हुआ, ये रेसिस्टिव फोर्स एफ के बराबर होगा, क्योंकि मेरी बिल्डिंग मूव तो कर नहीं रही है, ये एफ के बराबर होगा। इसी को इस टर्म में हम लोग बेस शेयर के रूप में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बेस पे क्या शेयर जनरेट हुआ।
ठीक है। तो अब ये एक्सेलरेशन, अब ये जो एक्सेलरेशन के रूप में आकर के इसकी बात कर रहा है कि एक्सेलरेशन आकर के हिट किया, तो इस एक्सेलरेशन को अगर इसके मास से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यू जो भी मास से मल्टीप्लाई कर दे, जो भी एक्सेलरेशन आके हिट किया और ये मास है पूरे बिल्डिंग का, कोई मास होगा उससे अगर मैं इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, यू डबल डॉट जी, यू का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डॉट का मतलब डबल डेरिवेटिव, और जी है कि ग्रेविटी यूनिट में हम इस डाटा को ले रहे हैं, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, यही मेरा निकल के आ जाएगा क्या कहते हैं उसको, ये बेस शेयर की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो अर्थक्वेक आता है ना, तो हम इसका पूरा पार्ट नहीं लेते हैं, कुछ फ्रैक्शन लेते हैं, तो वही अल्फा बीटा गामा जो कांस्टेंट है कुछ उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी अल्फा बीटा गामा को हम लोग कोड में अलग अलग पैरामीटर से डिफाइन कर। अब कोड में क्या किया है कि यू डॉट डबल जी जी है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको क्या करता है कि इसको नॉर्मलाइज कर देता है और यूनिट लेस कर देता है, इस पार्ट को यूनिट लेस करेगा तो जी से डिवाइड करेगा, ठीक है, और जी से डिवाइड करता है, और लेकिन हम पूरे चीज को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये मेरा क्या कह देता है, वेट में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोल देता है सिस्मिक वेट, जो कि कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ये सेस्मिक वेट कैलकुलेट करता है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाती है मेरी, और इसी यूनिटलेस क्वांटिटी को फिर कोड में निकाला जाता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है, अब मैं बैकग्राउंड से चलता हूँ फिर थोड़ा दूसरी तरफ। तो यहाँ देखिए कई सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये क्या होता है, दूसरा दिया हुआ है सेस्मिक कॉफिशियंट, ये क्या होता है, फिर तीसरा दिया हुआ है कि साइट टाइप क्या है, हमारा सॉयल का कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सॉयल के ऊपर बात कर रहा है, सॉयल के ऊपर बात, और इम्पोर्टेंस का मतलब है कि हमारी बिल्डिंग कैसी है, जनरल बिल्डिंग है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है या कुछ और तरह की बात है, और ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि टाइम पीरियड उस बिल्डिंग का क्या है, ये फ्री वाइब्रेशन की एक्चुअली बात कर रहा है, फ्री वाइब्रेशन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स कोर्स था एमटेक में, नहीं था, फ्री वाइब्रेशन की बात कर रहा है, और यहां से हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं, जो बताता हूं अभी होता गया, अभी अप्रोक्सीमेट होता है और प्रोग्राम कैलकुलेटर और यूजर डिफाइन होता है, तो अगर हम यूजर डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें कोड के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, तो जनरली लोग प्रोग्राम कैलकुलेटर करके आगे बढ़ जाते हैं, एक्चुअली इसमें डिफाइन करना बहुत आसान है सस्मिक, लेकिन इसको समझना जरूरी। फिर ये स्टोरी रेंज दे देते हैं, अभी हमारा स्टोरी रेंज बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये फिर सेकेंड स्टोरी की बात कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा यहीं तक है फर्स्ट स्टोरी और ये सेकेंड वन हो गया, अभी इसको और आगे ऊपर तक लेके जाएंगे, तब आकर के अंदर इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, जैसे विंड लोड में चेंज करें, तो वन बाय वन देखते हैं, आइए कोड में चलते हैं, हमने बेस शेयर की बात की, वहीं से स्टार्ट करते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेगी। एक्सेल शीट, हाँ, डिजाइन हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट, और ये बेस शेयर कहाँ पे निकाला है, ये बेस शेयर ये पेज नंबर 21 में दिया हुआ, आइए पेज नंबर 21 में चलते हैं, ठीक है। अब जो हम एनालिसिस करते हैं, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, सेस्मिक एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसको करने के कई मेथड है, उसमें स्टैटिक मेथड है और डायनेमिक मेथड है, ठीक है। अब स्टैटिक में भी एक तो लीनियर स्टैटिक है और नॉन लीनियर स्टैटिक है, और डायनेमिक में भी लीनियर डायनेमिक है और नॉन लीनियर डायनेमिक है, तो आप हम लोग जो डिजाइनिंग करते हैं उसमें हम लोग लीनियर डायनेमिक यूज करते हैं, अभी जो इस कोर्स में चलेगा और बाकी यूज नहीं करते हैं, तो यही जो लीनियर क्या स्टैटिक नॉन लीनियर भी यूज नहीं करते हैं, डायनेमिक लीनियर भी यूज नहीं करते हैं, और ये नहीं, इसको जो बोला जाता है लीनियर डायनेमिक हो गया, इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, एक जुगाड़ मेथड जो है, जो आपका पहला मेथड है। दूसरा जो ये डायनेमिक लीनियर है, इसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कहा जाता है, जो कि इसमें आगे दिया हुआ है, और नॉन लीनियर स्टैटिक आपने सुना होगा पुश ओवर एनालिसिस, कहीं सुना है आपके ही मुंह से सुने, तो ये पुश ओवर एनालिसिस नॉन लीनियर स्टैटिक हो गया, और ये डायनेमिक में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस हो गया, और एक इसमें और आता है टाइम हिस्ट्री एनालिसिस या रिस्पॉन्स हिस्ट्री एनालिसिस कह सकते हैं इसको, दोनों का एक ही मतलब है, ये आपका लीनियर डायनेमिक में आ गया, और ये जो लास्ट में नॉन लीनियर बच गया ये टाइम हिस्ट्री नॉन लीनियर एनालिसिस। तो हम नॉन लीनियर में तो जा नहीं रहे, हमारा बस यहाँ तक का काम है, ये जो इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो हम स्पेशल डिजाइन करेंगे, ठीक है। yes, चलिए, तो यहाँ तक में तो कुछ है नहीं, ये सारे मेथड मैंने बताया कि सेस्मिक एनालिसिस करने के इतने सारे मेथड है। अब यहाँ पर से हम चलते हैं, तो जो हमारा पहला मेथड है ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, इसको जुगाड़ मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। एज पर दिस मेथड फर्स्ट द डिजाइन बेस शेयर,
अब देखो दो तीन टर्म आ रहे हैं, डिजाइन बेस शेयर, ठीक है। एक टर्म आया कि हमें बेस शेयर वो निकालना है जो डिजाइन में यूज होगा, जो मैंने नहीं कहा कि ये वैल्यू को हम घटा देते हैं एक्सलरेशन को, वो इसीलिए करते हैं कि हम पूरा अर्थक्वेक का इफेक्ट नहीं कंसिडर करते हैं, कुछ फैक्टर में कंसिडर करते हैं ताकि वो डिजाइन मेरा मतलब अन इकोनॉमिकल ना हो, और इसलिए उसको डिजाइन बेस शेयर के रूप में हम नाम देते हैं। yes. और बीबी शैल बी कंप्यूटेड फॉर अ बिल्डिंग एज अ होल, बिल्डिंग को एक जनरल पूरा का पूरा बिल्डिंग को एक मास मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देन दिस बीबी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लोर लेवल, अब ये बताता हूँ है क्या करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ माइंड फाइनली द डिजाइन बेसिक्स। इसमें जो बेसिकली चीज है यही कि अगर आपका ये कोई बिल्डिंग है, कई सारे फ्लोर हैं इसमें, क्या हो गया? यस, नहीं हुआ। अच्छा, ये एक्स डायरेक्शन हुआ, ये वाई डायरेक्शन हुआ, ये जेड डायरेक्शन हुआ। तो मैं अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो यू डबल डॉट जी आकर के हिट किया, इसके कारण जो बेस शेयर रेसिस्टिव फोर्स जो जनरेट होगा, बीबी से इसको जनरली डिनोट करते हैं, मैं भी वही लिख देता हूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी सब चलता है। बेस शेयर जो जनरेट हुआ, तो ये बेस शेयर मैंने आपको बताया कि रेसिस्टिव फोर्स है, और ये आपको यहाँ पे लिख रहा है एच इंटू डब्ल्यू। अब आपको बताया कि ये W कहां से आया, इसका G निकाल करके इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसका G निकाल करके इसमें डाल दिया और इस क्वांटिटी को इसने यूनिटलेस कर दिया, और इसी का 100% नहीं लेता है, कुछ फ्रैक्शन में लेता है, और बाद में उसको बोलता है कि डिजाइन बेस अर्थक्वेक के लिए हम करेंगे। डिजाइन बेस शेयर और डिजाइन बेस अर्थक्वेक दोनों एक ही तरह का है कि पहले हमें उसके अकॉर्डिंग काम करें। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं जो जनरेट हुआ, तो ये इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड है। बोल रहा है कि बेस शेयर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस फ्लोर लेवल्स एंड द करेस्पोंडिंग सेंटर ऑफ, ठीक है, ये देखें कहां गया, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस फ्लोर लेवल। अब ये जो बेस शेयर आया ना, जो कैपेसिटी आई बिल्डिंग की कैपेसिटी, इसी बिल्डिंग की कैपेसिटी को क्या कहता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिखता है ये, इसी बिल्डिंग की कैपेसिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये फर्स्ट फ्लोर लेवल पे ये फोर्स जाएगा जनरेट होके, फिर ये जाएगा और फिर ये जाएगा, ठीक है, ये हर इस फ्लोर, हाँ, ट्रायंगुलर वेरिएशन। अब इस वाले केस में ये ट्रायंगुलर नहीं होता है, फर्स्ट ट्रायंगुलर होता है देन पैराबोलिक होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेरिएशन नहीं होता, ट्रायंगुलर होगा या फिर पैराबोलिक होता है वो देखना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के लिए पैराबोलिक होता है, जो इस कोड के अकॉर्डिंग है वो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ट्रायंगुलर नहीं होता है। अलग अलग कोड में अलग अलग है, यूरो कोड में कहता है ट्रायंगुलर पैराबोलिक मिक्स है, अमेरिकन कोड में कुछ और तरह का बात है। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये जो होता है, ये जो हमारा जो निकल के आता है, यही डिजाइन जो होता है, डिजाइन फोर्स होता है। ईच फ्लोर लेवल पे हम डिजाइन फोर्स निकालें और यही मेरा डिजाइनिंग में ही फिर यूज होता है, कंट्रीब्यूट करता है, लोड कॉम्बिनेशन में जाता है और कंट्रीब्यूट होता है। तो ये बेस शेयर का आइडिया क्लियर हुआ कि ये हो क्या रहा है? Yes. हाँ, चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, इसका जूम कैसे हटे, इसको क्लियर कर दो, थोड़ा सा जूम हटा लो। जहां पे देखिए अब एच की जो बात कर रहा है, एच को लिख रहा है, ये बीवी तो हो गया बेस शेयर, अरे इतना मोटा कैसे हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया, अभी तो ठीक है। चलिए द डिजाइन बेस शेयर बीवी अलोंग एनी प्रिंसिपल डायरेक्शन, अब ये देखिए एक टर्म और आया प्रिंसिपल डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? अभी आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, ये मैं प्लान बना रहा हूं, ठीक है, क्या है ये प्लान, इसका कोई एक्स डायरेक्शन होगा जो कोड कहता है, मैं कोड की बात कर रहा हूं, और ये वाई डायरेक्शन होगा, तो जो एक्स डायरेक्शन होगा वो एक प्रिंसिपल डायरेक्शन होगा और जो वाई डायरेक्शन होगा वो दूसरा प्रिंसिपल डायरेक्शन होगा, ये यही कह रहा है। और हमें बिल्डिंग भी बनाना चाहिए इसी तरह की जिसमें दो डायरेक्शन हमको मिल के आए और 90 डिग्री के एंगल पर बन के आए, नहीं तो फिर वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है अर्थक्वेक के लिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए बिल्डिंग बनाते हुए। तो ये इसी की बात कर रहा है। शैल बी डिटरमाइंड बाई, जो बेस शेयर हमें निकालते हैं एच, जो एच कैसे आया वो बताया, कुछ फ्रैक्शन होता है एक्सेलरेशन का, उसमें से जी निकाल दिया यूनिटलेस बना करके और उसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी को ये सेस्मिक वेट बोल रहा है। डब्ल्यू क्या हो गया मेरा, सेस्मिक वेट, और एच को नाम दे दिया इसने डिजाइन होरिजेंटल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट वैल्यू। अब ये कुछ क्लाउज में बोल रहा है जाने के लिए, वही मतलब है। यूजिंग अप्रोक्सीमेट फंडामेंटल नेचुरल पीरियड, अब फंडामेंटल नेचुरल पीरियड क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ये फ्लोर है, मान लीजिए कि दो फ्लोर, एक ही फ्लोर है, यहाँ पे कुछ एक ही फ्लोर है, ये इसका और ये इसका कॉलम है, कॉलम मान लीजिए, और ये यहाँ पर ये सारा मास यहाँ पे लम्ब्ड है, लम्ब्ड मास। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये कह रहा है फंडामेंटल, कहाँ गया है फंडामेंटल नेचुरल पीरियड,
अप्रोक्सीमेट फंडामेंटल नेचर। फंडामेंटल का मतलब है फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड मोड मतलब कि जो टाइम पीरियड मोड मोड के बारे में पता है? हेलो, मोड किस चीज से रिलेटेड? हाँ, टाइम पीरियड से रिलेटेड। जैसे मोड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, रस्सी को मैंने बांध दिया, दो छोर पे बांध दिया, और ये बांध के ये वाइब्रेट करेगा, तो ये इस तरह वाइब्रेट करेगा, तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये फर्स्ट मोड हो गया, और अगर ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, डबल भी वाइब्रेट कर सकता है, तो ये सेकेंड मोड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपका क्या हो गया, ये फिक्स हो गया यहाँ पे, और ये ओपन पार्ट हो गया, तो ये कैंटिलीवर हो गया। तो ये जो वाइब्रेट करेगा, तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये कहलाया फर्स्ट मोड। यानी फर्स्ट मोड का जो टाइम पीरियड होगा, फर्स्ट मोड मैंने एक सेकंड में ये कितनी बार, सॉरी, ये यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आया, मीन से एक्सट्रीम पे गया, और एक्सट्रीम से फिर मीन पे आया, तो ये कितना समय लगा, ये इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब एक फ्लोर की बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी, टाइम पीरियड दूसरा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाएगी तो टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा, बिल्डिंग का स्टिफनेस चेंज होता जाएगा, टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा जो होता है, ओमेगा स्क्वायर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, के बाई एम होता है। ठीक है, और यहां से हम टाइम ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम हो गया, और ओमेगा क्या होता है, टू पाई इंटू टी, ये टी मेरा टाइम पीरियड है, ये तो पढ़े होंगे, ये याद है कुछ? तो ये टाइम पीरियड जो निकलता है, वन बाई टू पाई अंडर रूट के बाई एम हो गया, तो ये स्टिफनेस हो गया और ये मास हो गया। यानी बिल्डिंग का मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और के स्टिफनेस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर क्या कहते हैं, मास तो इंक्रीज होगा, हाइट बढ़ेगी तो मास भी इंक्रीज होगा, और के उस रिस्पेक्ट में इंक्रीज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगी मेरी, बढ़ेगी, सॉरी टाइम पीरियड मेरी बढ़नी चाहिए, घट नहीं, नहीं घटती नहीं है, बढ़ती है, टाइम पीरियड बढ़ जाती है तो जब बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं करता है, टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड करता है, वो बढ़ेगी ना, वो हाँ उस पे नहीं है, मेनली इसी दो चीज पे, उसका हाइट से मतलब नहीं है, के और एम के रेस्पेक्ट में ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग होता है, और अलग ये सॉइल सॉइल के ऊपर तो नहीं है, फ्री वाइब्रेशन की बात करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का ये पूरा चीज है, तो उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। डब्ल्यू मेरा क्या हो गया, सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, सेस्मिक वेट आपको बता दिया कि ये कैसे आ रहा है, ये चीज है। अब आइए नेक्स्ट क्या रह गया मेरा, जो इस पे आ जाते हैं, यहाँ से समझ में आएगी चीज है। अच्छा अच्छा, कोड कहाँ गया, तो क्लीन कर दूंगा ये मेरा। अच्छा, बेस शेयर की बात तो हो गया, सेस्मिक जोन कहाँ गया। अच्छा, एक्सेल शीट में देख लिया जाए। अब यही सेस्मिक वेट निकालते हैं यहाँ पे, जो हमारा पहला काम होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे सेस्मिक वेट निकालने के लिए डेड लोड और लाइव लोड को कैलकुलेट करते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में टोटल सेस्मिक वेट यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, और अब सेस्मिक वेट निकाल लिया, और हॉरिजेंटल कॉफिशियंट, सेस्मिक कॉफिशियंट निकालते हैं एएच। तो एएच का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बेस शेयर निकल जाएगा, सिंपल सा चीज है। तो इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कहां गया, किस पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर देख लिया जाए ना, पेज नंबर एएचएच, तो पेज नंबर तो ये, हाँ पेज नंबर 9 में आइए, चले पेज नंबर 9। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिजाइन सेस्मिक, डिजाइन हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोएफिशिएंट। ये हर जगह देखिए डिजाइन वर्ड यूज कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा याद दिलाइएगा, ये मुझे आपको समझाना है डिजाइन का क्या मतलब। हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोएफिशिएंट एएच फॉर अ स्ट्रक्चरल शैल बी डिटरमाइंड बाय, अब इसको याद ऐसे रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा, जेड बाई टू एस ए बाई जी और इंटू आई बाई आर, इसको उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तभी ये याद रहता है, नहीं तो आदमी कंफ्यूज होता रहता। ठीक, तो ये जो है, यही जो टर्म है एस ए बाई जी, ये जो आपका जो वाइब्रेशन आ रहा था, जो अर्थक्वेक का वाइब्रेशन है, ये यू डबल डॉट जी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये टाइम और टाइम पीरियड अलग अलग चीज है, ये टाइम का वेरिएशन है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये कैसे आपका अर्थक्वेक बिहेव कर रहा है, ये उसका टाइम है, और वो टाइम पीरियड था जो मैंने अभी निकाला, दोनों अलग अलग चीज होता है। तो इसी से इस पार्ट को कन्वर्ट किया गया है एस ए बाई जी, इससे ये आता है। अब ये डिपेंड करता है कैसे निकलता है, तो ये जो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, बिल्डिंग का टाइम पीरियड निकालते हैं, और टाइम पीरियड से एस ए बाई जी निकालते हैं। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे कोड में कैसे। तो इसमें कई सारे टर्म दिए हुए हैं, तो पहले मैं आपको एस ए बाई जी के बारे में समझा दूं, वो सही रहेगा। एस ए बाई जी निकालते कैसे हैं, एस ए को बोलते हैं स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन,
और जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हो गया, ये यूनिटलेस क्वांटिटी हुई। एससे जो जी यूनिट में होता है और जी से जी कट गया तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई एससे बाई जी। जेड भी यूनिटलेस, आर भी यूनिटलेस, आई भी यूनिटलेस, इसलिए ये क्या हो गया यूनिटलेस क्वांटिटी। इसलिए वो सेस्मिक वेट से मल्टीप्लाई करके बेस से निकाल रहा। अब एससे जी जो है यहाँ पे आर क्या सर रिस्पॉन्स बता रहे रुक जाए। डिजाइन एक्सेलरेशन कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप, डिजाइन एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है जो फैक्टर बोल लीजिए आप, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके और मतलब टोटल इस यू डबल डॉट जी को नहीं लेंगे, फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप नॉर्मलाइज विथ पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन। ये नॉर्मलाइज क्या हो रहा है पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल पीरियड टी ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिडरिंग द सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन इफ रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, और इट शैल बी गिवन इन पार्ट 1 to 5, पांच पार्ट होते हैं 1893 के, पहले पार्ट से हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी अलग अलग है कुछ वाटर टैंक के लिए कुछ और किसी चीज के लिए। फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर वेन नॉट स्पेसिफाइड इट शैल बी टेकन डेट द कॉरस्पॉन्डिंग टू 5% डैम्पिंग। अगर आपको डैम्पिंग नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे कि 5% डैम्पिंग हमको कंसिडर करना है, ठीक है। अभी आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह से, एसए बाई जी की वैल्यू कैसे निकले, एसए बाई जी और टाइम पीरियड का रिलेशन, और एक ग्राफ दिया हुआ रहता है, तो उस ग्राफ पे हम लोग फोकस करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। सिस्मिक जोन मैप है कि अब यहाँ चार जोन में बांटा हुआ है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, और ये आपके देखिए ये बेल्ट पूरा जोन 5 में, हिमालय के कुछ रीजन है जोन 5 में, जोन 4 में अपना जो पटना है वो आता है जोन 4 में, फिर आपका इधर गुजरात का कुछ रीजन जोन 5 में है, और ये तो खैर आपका जोन 2 में आ रहा है, महाराष्ट्र जोन 3 में आ गया, जोन 5 हाँ सबसे खतरनाक, ठीक है, जोन 4 उससे कम, उससे कम, जोन 2 सबसे, जोन 2 वाला सबसे, जोन 2 हाँ ठीक है, क्या चाहिए बिहार जोन 4 में है ना, बिहार जोन 4 में, पटना जोन 4 में आता है, अलग अलग सिटी का अलग अलग होता है, देखना पड़ेगा और टेबल में क्या बोल रहा है। अभी हम लोग किस पे आप थे, हम लोग एस ए वाई जी पे थे, तो हम वो ग्राफ देख रहे, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो ग्राफ बना हुआ है, एक तो एस ए वाई जी वर्सेस टाइम पीरियड और दूसरा भी एस ए वाई जी वर्सेस टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसमें जो ये ग्राफ है स्पेक्ट्रा फॉर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के लिए है, और जो दूसरा वाला है स्पेक्ट्रा फॉर रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड, मतलब लीनियर डायनेमिक एनालिसिस जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड उसके लिए हमें करना है, ये वाला इक्विवेलेंट स्टार्टिंग। अब दोनों में अंतर है, ये कुछ पहले स्टार्ट हो रहा है 1 से फिर 2.5 तक जा रहा है, और ये 2.5 से ये स्टार्ट होकर के जा रहा है, ठीक। तो हम इस पे ही कंसंट्रेट करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका जो है ये दिया हुआ है आपका, फिर मोटा हो गया, अरे है मोटा हो जा रहा है, इसे पतला होगा, दो है ना सर, ब्लू वाला लीजिए, ऊपर बड़ी पेंसिल में, पेंसिल में दो है यार, ये तो टेक्स्ट है, ये तो कुछ और चीज है, इतना मोटा का हो जा रहा है, ये तो लाइन बनाने का यही है, अच्छा इसको सेलेक्ट कर ले, वही तो किया, अच्छा यहाँ से ये चेंज करना है का, तो फिर का करना है भाई, इतना मोटा चलेगा तो बताएगा भी शायद भी, पेन ये रहा इंक यहाँ सेलेक्ट हो गया गलत सही, वो अब ठीक है, ठीक है। ये मेरा जो ग्राफ है वाई एक्सिस पे जो दिया हुआ है एस ए बाई जी, और ये एक्स एक्सिस पे जो दिया हुआ है ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये टाइम पीरियड है, ये दो टी अलग अलग होता है, ये टाइम पीरियड है, और ये मेरा क्या है एस ए बाई जी, एस ए क्या होता है, एस ए को बोला जाता है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया जी से, ये यूनिटलेस बनाया गया, और ये इतना ही नहीं होता है, इतना अपन नॉर्मलाइज किया जाता है जेड से, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि नॉर्मलाइज विद पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन, ये यही जेड से नॉर्मलाइज किया जाता है। अब एक और टर्म आ गया, ये ध्यान रखिएगा, एस ए बाई जी अपॉन जेड होता है, अब जेड जो होता है पिक ग्राउंड एस ए बाई जी है ना सर, लिखा हुआ है लेकिन नॉर्मलाइज किया हुआ है, आपको मैंने अभी दिखाया था कि लिखा हुआ क्या है, कहाँ गया पेज नंबर, क्या था वो पेज नंबर, किस पे गया था, नहीं इसके बाद कौन सा था, यही तो 9 है, 9 में था, देखिए ये क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल टाइम नॉर्मलाइज विद पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन, नॉर्मलाइज किया हुआ है, यानी कि इसको जो है जेट के साथ नॉर्मलाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, सेस्मिक जोन फैक्टर हाँ उसी को पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस ग्राफ से क्या बता रहे हैं अभी, जैसे जो हमारा निकालना था AH की वैल्यू निकालनी थी, AH जो निकालना था, AH का फॉर्मूला क्या था, जेड बाई टू इंटू एस ए बाई जी और इंटू आई बाई आर, ठीक है, तो एस ए बाई जी आप कहां से निकालिएगा, उसके लिए आपको ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जैसे ये तीन सॉइल दिया हुआ है, डिफरेंट तरह के सॉइल दिए हैं, टाइप 1 जो है रॉक हो गया, ये रॉक सॉइल हो गया जो डार्क 1 में है, जो एक नंबर पे टाइप 1 रॉक सॉइल हो गया, टाइप 2 मीडियम सॉइल हो गया, और टाइप 3 हो गया सॉफ्ट सॉइल, तो ये
कैसे निकलेगा? जैसे ये निकलेगा कहीं कि अगर हमें बिल्डिंग का टाइम पीरियड पता है, किसी बिल्डिंग का टाइम पीरियड पता है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें सॉइल पता चल गया, अगर हार्ड है तो ये, सॉफ्ट है तो, और मीडियम है तो ये, और फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं, ये एस ए वाई जी की वैल्यू, ठीक है? तो ये हाँ, तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो एक टर्म आ गया टाइम पीरियड, एस ए वाई जी अपॉन जेड ए एच, ए एच निकालने के लिए एस ए वाई जी हमें चाहिए, और बाकी सब टर्म भी चाहिए वो बताता हूँ। लेकिन एस ए वाई जी जो है, अब ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। तो ये टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला दे रखा है कोड में, कहाँ गया टाइम पीरियड, पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर 21। आइए 21 पे चलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, द अप्रोक्सीमेट, हेलो yes. चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है, द अप्रोक्सीमेट फंडामेंटल ट्रांसलेशनल नेचुरल पीरियड पीए ऑफ ऑक्सीलेशन इन सेकंड शैल बी एस्टिमेटेड बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक दिया हुआ है बेयर मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग विदाउट एनी मेसनरी इनफिल, अगर आपका मेसनरी इनफिल नहीं डाला हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चलूं इस, तो इसमें देखिए जो हम लोग यहाँ पर अभी मेसनरी इनफिल नहीं डाल रहे हैं, ठीक है yes. नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो बिल्डिंग बनेगी तब तो हम डालेंगे मेसनरी इनफिल yes. तो वो ध्यान रखना है। ये वॉल्स जो बात कर रहे हैं, ये वॉल्स डालेंगे तब उसकी बात कर रहा है। दूसरा जो बात कर रहा है, इसके लिए इसने तीन कंडीशन दिए हैं, इसने जो कंडीशन दिए हैं वो कंडीशन क्या दिए हुए, हाँ विदाउट एनी मेसनरी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ये जो है जो आपका हो गया फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग, रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग के लिए जो फॉर्मूला है 0.075 H अपॉन H का पावर 0.75, ये हो गया रेनफोर्स कंक्रीट मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। और रेनफोर्स कंक्रीट स्टील कंपोजिट बिल्डिंग है तो ये फॉर्मूला 0.080 H का पावर 0.75, और अगर आपकी जो स्टील बिल्डिंग है तो ये 85 हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे विदाउट मेसनरी है, ठीक है? और अब आप देखिए ये पहले समझ लीजिए, फिर वो बी वाले पे जाऊंगा, अब ये नीचे है तो नीचे से ही समझा देता हूँ। ऑल अदर बिल्डिंग, अब ऑल नहीं, ये नहीं काम चलेगा, ऑल अदर बिल्डिंग है तो फिर तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, जनरल फॉर्मूला। अब हाइट कहाँ से लेना है, तो हाइट हैज बीन जो उस फॉर्मूले में एच की वैल्यू है इन मीटर ऑफ द बिल्डिंग, दिस इन एक्सक्लूड द बेसमेंट स्टोरी वेयर द बेसमेंट स्टोरी वॉल आर कनेक्ट। आप ये मान के चलिए कि बॉटम ऑफ द उससे लेना होता है, क्या कहते हैं फाउंडेशन से हमें लेकर के चलना होता है, ये जनरली एच की वैल्यू होती है। स्टोरी तो एक्सक्लूड करने बोल रहा है, कर रहा है कब, जब कनेक्टेड नहीं है, वॉल्स आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड फ्लोर डेक और फिटेड बिटवीन द बिल्डिंग कॉलम बट इंक्लूड द बेसमेंट व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड नहीं है तो हम मान के हम लेके चलेंगे, तो हम कहां उसको कनेक्ट करते हैं, जस्ट फाउंडेशन डाल देते हैं और हो गया, ठीक है? और एच जो होता है जनरली मान, जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक मूव कैसे करता है, मिट्टी से फाउंडेशन में, फाउंडेशन से फिर कॉलम में, कॉलम से बीम और स्लैब और जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उस तरफ मूव करता है। तो एच जो हो गया, हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग ले लेंगे, और ये मान के चलिए कि ये ग्राउंड फ्लोर जहां पे होगा, बेस जो ग्राउंड के नीचे नहीं जा रहा है, यहां पर से हम उसको कंसीडर कर लेंगे। और बेसमेंट वगैरह है उस केस की बात कर रहा है, तो बेसमेंट तो हमारे केस में नहीं, और बेसमेंट वाले केस में अगर कनेक्टेड है तब तो यहीं से लेंगे, और कनेक्टेड नहीं है सही से तो उसको फिर हम नीचे से लेंगे। जहां तक नहीं समझ पा रहे सर, किस चीज से कनेक्टेड का बात, कनेक्टेड का मतलब है आपस में वो कनेक्टेड नहीं है। देखिए यहाँ पे दिस एक्सक्लूड द, एक मिनट भाई रुक जा, हाइट दिस एक्सक्लूड द बेसमेंट स्टोरी वेयर द बेसमेंट स्टोरी वॉल आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड फ्लोर। वॉल जो है आपका, जो ये मान लीजिए कि वॉल आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड फ्लोर डेक और फिटेड बिटवीन द बिल्डिंग कॉलम बट एक्सक्लूड द बेसमेंट स्टोरी व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो बेसमेंट बना, यहाँ से जो नीचे आपका बेसमेंट बना, बेसमेंट बनने के बाद जो ये आप साइड में वॉल दे रहे हैं, ये वॉल जो आपने दिया, ये जो साइड में वॉल दिया जो मिट्टी को रोकने के लिए इधर और इधर से जो वॉल दे रहे हैं, अगर ये आपका जो फाउंडेशन के साथ वेल कनेक्टेड नहीं है, ये फाउंडेशन के साथ वेल कनेक्टेड नहीं है या आपस में कनेक्टेड नहीं है सही तरीके, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे, तब अर्थक्वेक का इफेक्ट है क्या, यहां से जाएगा, और अगर कनेक्टेड है तब हम इसको टॉप ऑफ द यहां से लेंगे, ठीक है? ठीक है, बेसमेंट के वाल की बात हो रही है, ठीक है? तो हमारे और ये बिल्डिंग विथ आरसी स्ट्रक्चरल वाल, अब रेनफोर्स कंक्रीट वाल यानी शेयर वाल है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा। तो हमारे वाले केस में तो हम अभी लेके चल रहे हैं शेयर वाल, लेकिन हम फिर भी इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि चलेगा ठीक है, यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे, जनरली लोग नहीं करते हैं, तो हम इसमें क्यों जाए, हमारे लिए केस होगा ऑल अदर बिल्डिंग वाला, इसको यूज करेंगे।
इसको या फिर इस वाले पार्ट को। हाँ, तो ऑल अदर बिल्डिंग्स वाले में कह रहा है कि जो एक और तीन में लाई नहीं कर रहा है, यानी हमारा तो ब्रिक वर्क है अंदर में, तो हम इसको यूज करेंगे TA इक्वल टू 0.09 H अपॉन रूट अंडर D। अब ये हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज डिफाइंड इन 7.6.2A जो ऊपर डिफाइन हुआ, और D जो हो गया बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एट द प्लिंथ लेवल अलोंग द कंसिडर्ड डायरेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक शेकिंग इन द मीटर। जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है कोई, ये बिल्डिंग हो गई कोई, और ये आपका प्लिंथ लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ लेवल है, तो ये मान लीजिए अगर एक्स डायरेक्शन है और ये मेरा कहाँ गया, चलिए अब इधर से ही बना दिया, तो ले लेते हैं, सही ऐसे ही बनाना चाहिए बिल्डिंग, ज्यादा सही रहे, पता चलेगा एक्स और वाई। अब ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें जो डायमेंशन लेना है डी, बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल पे जो भी होगा, अभी मान ले रही है प्लिंथ लेवल है, अलॉन्ग द कंसिडर डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग। अगर अर्थक्वेक हम एक्स डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हमें डायमेंशन जो डी लेंगे ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में शेकिंग हो रही है तो हम इस डायरेक्शन को लेंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में शेकिंग हो रही है उसी डायरेक्शन का कंसीडर करना है। तो अब ये आप 0.09 H को मीटर में पुट कीजिए, D को मीटर में पुट कीजिए, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। जब ये टाइम पीरियड निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल गया तो हमारा SAYG मिल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर कौन था वो, आपका आ गया, टाइम पीरियड मिल गया तो SAYG की वैल्यू मिल जाएगी, और जब SAYG की वैल्यू मिल गई तो जो मेरा जो फॉर्मूला है पेज नंबर 20 में आवाज आएगी। Yes, वही तो कहाँ चला गया, इधर उधर भाग जाता है, नाइन में था वो। हाँ, ये जो फॉर्मूला है इसमें से हमें जो ये पार्ट मिलना है SAYG, ये हो गया, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड से हमने SAYG निकाल लिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि हमने, मैंने कहा था कि ये ऑलरेडी SAYG अपॉन जेड होता है, ठीक है, तो ऑलरेडी SAYG हमने कंसीडर कर रखा और डिजाइन वाला कंसीडर कर रखा है, तो इस जेड, ये जो नीचे में जेड होता है, इस जेड को इस जेड से हटाना है, इसलिए हम इस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ताकि इसके नीचे जो नॉर्मलाइज वाला है वो खत्म हो जाए, इसलिए हम इस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जनरली लोग आपको बता देंगे कि सेस्मिक जोन फैक्टर होता है और ये टेबल थ्री में दिया हुआ होता है और वहां से कंसीडर करना होता है। एक्चुअली हमारा क्या है कि ये हम अगर उस चीज को नहीं अगर फॉलो करेंगे तो ये ग्राफ जो हमारा बन के आ रहा है रिस्पांस स्पेक्ट्रा वाला, ये ग्राफ कई सारे ग्राफ बन जाएंगे, हर जोन के लिए अलग अलग ग्राफ बन जाएगा, जोन टू के लिए अलग बनेगा, तीन बनेगा, जोन फोर के लिए, थ्री के लिए तीन बनेगा, यानी कोड को 12 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, इसलिए उसने नॉर्मलाइज कर दिया है इसको जेट से डिवाइड करके। और जनरली लोग बोल देते हैं सेस्मिक जोन फैक्टर लिया जाता है, वो एक्चुअली नहीं, वो नॉर्मलाइज किया गया, उसको हटाने के लिए लिया जा रहा है, SAYG एक्चुअली हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो सेस्मिक जोन फैक्टर का इन्होंने एक टेबल दे रखा है, उसको सेस्मिक जोन फैक्टर बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला उस तरह से बना रखा है। तो ये सेस्मिक जोन फैक्टर जो जेट की वैल्यू है, कहां गया ये जोन फैक्टर जो है, लखनऊ नहीं, हमारा पटना हो गया ना, तब वो फोर जोन में आ जाएगा। ये टेबल नंबर 37 में, पेज नंबर 37 में कैसे चला जाएगा इतना दूर, चलो 37 में चलते हैं, 37 नहीं होना चाहिए यार, 37 ये बहुत ज्यादा है, पेज नंबर 10 सॉरी, और 37 वो उसके लिए सिटी के लिए, पेज नंबर 10 में है, आगे। हाँ, ये देखिए सेस्मिक जोन फैक्टर, अब जोन टू के लिए 0.01 दिया हुआ है, जोन थ्री के लिए 0.16, जोन फोर के लिए 0.24 और जोन फाइव के लिए 0.36, ठीक है। अब ये देखिए मेथड की बात करे थे ना, इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, डायनेमिक एनालिसिस, रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड, मॉडल टाइम एस्टीमेटर और टाइम एस्टीमेटर, अब ये सारा लीनियर की बात कर रहा है, नॉन लीनियर यहाँ पे कहीं नहीं इसने इंट्रोड्यूस, ठीक है, रिस्पांस जो है लीनियर ही, सब लीनियर है, ये टाइम हिस्ट्री भी लीनियर वाला ले रहा है मॉडल। अब ये इसने डिक्लेयर नहीं किया कि टाइम हिस्ट्री किसकी बात कर रहा है, रिस्पांस एस्पेक्ट में टाइम एस्टीमेटर, अभी इसने लीनियर नॉन लीनियर लिखा नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जेट जो है ये यहाँ पे फैक्टर डिफाइन कर दिया, एक्चुअली ये पीजीआई वैल्यू होता है, पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, उसको जेट के रूप में यहाँ पे डिनोट कर रहा है क्योंकि हमें SAYG जो नॉर्मलाइज किए हैं उसको हटाना है। तो जेट जो है, अब ये देखिए यहाँ अगर हमारा पटना है तो यहाँ से तो पता नहीं चला, यहाँ से कहाँ पता चला पटना किस में है, तो उसका भी एक मैप दे रखा है पेज नंबर 37 में। अब यहाँ पे देखिए आपको लिख रखा है लिस्ट ऑफ सम टाउन विद पॉपुलेशन मोर देन 3 लाख एज पर सेंसेक्स 2011 एंड देयर सेस्मिक जोन फैक्टर। तो पटना चल लेते हैं, ये सी टाउन दिया हुआ है या जोन टाइप दिया हुआ है या जोन और सेस्मिक जोन फैक्टर दिया हुआ है, तो हमारा पटना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही दिया हुआ है ये, तो पटना आया नहीं आया, पटना पॉपुलेशन पे डिपेंड, सब चीज पे पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन पे, फिर वहां पे किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, फिर वहां पे रिस्क कितना है, रिस्क कितना है, रिस्क कितना है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है तो रिस्क ज्यादा है, गांव है तो रिस्क कम है, छोटी सी बिल्डिंग है, तो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पटना आ गया जोन फोर में,
जोन फोर में आया और जेट की वैल्यू जीरो, जेट की वैल्यू तो खैर हमें वहां से पता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पटना किस में आया जोन। तो हम चले जाते हैं फिर से अपने पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 ऊपर ऊपर मतलब नीचे नीचे, ये देखिए जोन फोर में था 0.24, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला जो निकल के आया, क्या था हमारा फॉर्मूला, एएच की वैल्यू क्या थी, सेस्मिक जोन एक्सेलरेशन कॉफिशियंट, डिजाइन एक्सेलरेशन कॉफिशियंट जेड बाई टू इंटू एस ए बाई जी, और ये नॉर्मलाइज होता है ये बता ही दिया आपको, और इंटू आई बाई आर। अब एएच की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जेड से मल्टीप्लाई करके और ये नॉर्मलाइज किया और जेड जेड को कट कर दिया। जेड कहां से आएगा आपको समझ में आ गया, ऐसे बाई जी कहां से आएगा ये समझ गया, क्योंकि ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है और टाइम पीरियड का आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कैसे यूज करना है। आई होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर का मतलब कि हमारी बिल्डिंग है कैसी, और ये वैरी करता है 1 से लेकर के 1.5 तक, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है। चलिए ये कहां दिया हुआ है इंपॉर्टेंस फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर पेज नंबर 19 आ जाते हैं, पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 का मतलब 21 डाल दो। ये देखिए इंपॉर्टेंस फैक्टर, इंपॉर्टेंस सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रक्चर टाइप दिया हुआ है और इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 से 1.5 के लिए वेरी कर रहा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल क्रिटिकल गवर्नमेंट बिल्डिंग स्कूल जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है उसके लिए 1.5। अब इसके अंदर का आप पढ़ लीजिएगा एक बार ये क्या बोल रहा है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग अदर देन दोज नॉट लिस्टेड इन द 1 विथ ऑक्यूपेंसी मोर देन 200%। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जो 1 में लिस्टेड नहीं है और उसकी पॉपुलेशन वहां पे जो रहने वाले लोगों की संख्या, आने जाने वाले लोगों की संख्या 200 से अधिक है तो 1.2, और ऑल अदर बिल्डिंग के लिए 1 लेना है। तो हमारा तो जनरल बिल्डिंग है तो हमारे वाले केस में 1 होंगे। इसका मतलब ये है कि हम क्यों इसको ले रहे हैं कि हॉस्पिटल है या कहीं ज्यादा लोग आ रहा है, अर्थक्वेक आया और हम इस पैरामीटर को अधिक नहीं लेंगे तो हमारा एएच अधिक नहीं मिलेगा, एएच अधिक नहीं मिलेगा तो बेस शेयर कम मिलेगा, तो बेस शेयर कम मिलेगा तो जो हम स्ट्रक्चर पे लोड लगेगा वो कम लगेगा, कम लगेगा तो यानी उसमें लोहा कम डालेंगे, कंक्रीट कम डालेंगे तो वो कम क्या करेंगे, उसकी क्षमता कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए हम इसको ज्यादा ले रहे हैं ताकि वो बिल्डिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाए, अर्थक्वेक आए तो भी उसमें कोई दिक्कत ना है। और नॉर्मल बिल्डिंग है, कम लोग है, वो तो भाग के बाहर चले जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि गिर जाएगी, लेकिन इसको फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि चलो इसको डिजाइन किया जा सकता है 1। एक्चुअली ये एक तरह का मजाक चल रहा है, एक बार हम क्या, ये आई और आर का एक तरह से मजाक होता है। आर से हम क्या करते हैं कि सेस्मिक लोड को कम करते हैं और आई से फिर बढ़ा देते हैं, और लोड कॉम्बिनेशन में और फैक्टर डाल के बढ़ा देते हैं। तो एक तरफ तो हम आर से कम कर रहे हैं और आई से बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ हम फिर लोडिंग कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं उसका फैक्टर 1.5 है वो और बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से मजाक चल रहा है ये इंडियन कोड के ऊपर। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है वही फिर नॉन लीनियर एनालिसिस करना हो तो आई इस तरह का चीज है। आर आता है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, इसको नाम देता है जनरली, आपको लोग यही बोल देंगे रिस्पांस, इसको समझा कोई पाता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये होता क्या, कि रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। हमने कहा कि जो अर्थक्वेक आ रहा है वो हमें पूरा कंसिडर नहीं करना, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है और इसका अर्थक्वेक आया, हिट किया, और बेस शेयर का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो बेस शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। अभी मैं क्या मान रहा हूँ कि मैंने कोई उसमें ये नहीं किया है, मॉडिफिकेशन नहीं किया है, जो आया अर्थक्वेक के कारण वो इसको हिट किया और ये कुछ यहाँ पे रूफ जो है डिस्प्लेस किया, मैं डेल्टा रूफ इसको नाम दे देता हूँ, डेल्टा रूफ का इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इसको एक्स एक्सिस पे डेल्टा रूफ ले लेता हूं और वाई एक्सिस पे मैं बेस शेयर की बात कर दे रहा हूं। जो ये सारा जो इसको ऐड करता जाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेसिस्टिव फोर्स मिल जाएगा बेस शेयर, और ये बेस शेयर इसके इक्वल बराबर होगा जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो हम जो है क्या करते हैं कि अगर मैं इस बिल्डिंग को मान लूं कि ये इलास्टिक है, मतलब कि इसमें कोई जनरली होता नहीं है, इन इलास्टिक होती है बिल्डिंग, नॉन लीनियर होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं करने नहीं, तो लीनियर एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये डेल्टा बढ़ता जाएगा और ये इलास्टिक नेचर में जाएगा, ठीक है, ये तो इलास्टिक नेचर में चला गया, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है। तो ये मान लो कि ये मैं बहुत ऊपर तक लेके चला गया, इसको नीचे कर देता हूँ, ये चला गया, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, ये जा रही है और ये जाएगी और स्टिल जाती ही रहेगी, ये खत्म होगी ही नहीं क्योंकि हमारी बिल्डिंग टूटेगी नहीं, इलास्टिक नेचर में कहीं जाती रहेगी। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है, ये जो मान लो कि कोई फ्यूचर का अर्थक्वेक आया और उसने डेल्टा कुछ रूफ डिस्प्लेसमेंट दिया, डेल्टा वैल्यू कुछ दिया, मैं डेल्टा रूफ कर देता हूँ, डेल्टा यहाँ डेल्टा कर देता हूँ और ये डेल्टा रूफ की बात करता हूँ,
ये कुछ इसको डिस्प्लेसमेंट रूफ 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 लेवल रूफ लेवल पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो ये डेल्टा की बात कर दे रहा हूँ, ये डेल्टा रूफ। मान लो कि फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक आया और उसने इसको डेल्टा डेल्टा आर डिस्प्लेस किया, कहीं तक इसको जाकर डिस्प्लेस करेगा डेल्टा आर पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेस शेयर आया, ये बेस शेयर की जो वैल्यू आई, आरएसएसटी फोर्स की वैल्यू आई, ये आपकी इन इलास्टिक, ये इलास्टिक आ गई, या फिर आप इसको बोल लीजिए कि लीनियर हो गया, ये लीनियर बेस शेयर हुआ। अब इसके ऊपर से हम डिजाइन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस जो बेस शेयर की वैल्यू है इसको घटा देते हैं और इसको हम मान के चलते हैं कि बिल्डिंग मेरा जो परफॉर्म करेगा वो कुछ इस तरह का परफॉर्म करेगा, पहले लीनियर रेंज में जाएगा फिर नॉन लीनियर रेंज में चला जाएगा, ये नॉन लीनियर रेंज में चला गया। तो हम कहते हैं कि भाई बिल्डिंग को हम इसके लिए डिजाइन नहीं करेंगे, ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, हम बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे रिड्यूस्ड बेस शेयर के लिए, और इसको बोल देता है बेस शेयर, आप बोल लीजिए इलास्टिक से ये इन इलास्टिक बोल लीजिए, या फिर डिजाइन बेस शेयर बोल लीजिए, जो भी बोलना है, डिजाइन बेस शेयर भी आप इसको बोल सकते हैं, डिजाइन बेस शेयर। ठीक है, इसके लिए डिजाइन करते हैं। तो यही जो रिडक्शन हुआ ना, इसी रिडक्शन को नाम दे दिया गया आर। ठीक है, कि जितना हमने इसमें रिडक्शन किया, अब ये रिडक्शन जो है हमें टेबल दे रखा है कि हम किस बिल्डिंग में क्या करेंगे और कैसा होगा, तो हमें कैसे लेके चलना है। अब ये रिडक्शन कई चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि हमारी रिडंडेंसी क्या है, मतलब हमारी बिल्डिंग में फिक्सिसिटी किस तरह की है, फिर दूसरा ओवर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और तीसरा डिपेंड करता है कि ये एम्पलीफिकेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीफिकेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीफिकेशन पे। अब उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ यार, बस ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से कम हो। ठीक है, तो अब हम आर का एक टेबल देख ले, आर का टेबल कहाँ दिया हुआ है एक बार समझ ले। आर का टेबल आपका जो दिया हुआ है पेज नंबर 20 में, तो यहाँ 22 डाल देते हैं। टाइम कितना हो गया यार, टाइम बच रहा है। आर देखिए, ये टेबल दे रखा है मोमेंट फ्रेम सिस्टम के लिए, मोमेंट फ्रेम सिस्टम के लिए आरसी बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, मतलब कि हम उसमें डक्टाइल डिजाइनिंग नहीं करेंगे या डक्टाइल डिटेलिंग नहीं करेंगे, तब वो तीन लेना है। आरसी बिल्डिंग विद स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, मतलब कि हम उसमें डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे, यानी आर अगर हम ज्यादा कर रहे हैं कम, यानी कि हम बेस शेयर की वैल्यू ज्यादा घटा रहे हैं, तो हमें डक्टाइल डिटेलिंग करनी है। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं घटानी है ज्यादा, हम बिल्डिंग को ये करना चाहते हैं नॉन डक्टाइल बनाना चाहते हैं और वो हमेशा लीनियर लीनियर रेंज में ही रहे, तो हमें आर को कम घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। यूरो कोड में जो है ये 1 से 8 तक वैरी करता है और अमेरिकन कोड, और यहाँ पे ये 1.5 से लेकर के 5 तक वैरी करता है। ठीक है, और इसी तरह स्टील बिल्डिंग के लिए 3 हो गया, ऑर्डिनरी के लिए अपने लोग अर्थक्वेक के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो ये SMRF है ना, ये दोनों कोई भी कर सकते हैं। हम तो जनरली अब जो डिजाइनिंग होती है SMRF के ऊपर से होती है, तो लेकिन क्या लोग करते हैं कि ये करते नहीं है, ऑर्डिनरी डिजाइन करते, उसमें क्या करेंगे कॉलमों का अपने लोग को पता चलेगा कि SMRF से कर रहे हैं कि OMRF। आप उसमें डिटेलिंग जो कीजिएगा, उसमें डिजाइनिंग से मतलब नहीं है, डिटेलिंग का मतलब है समझिएगा, ये बीम हुआ, ये कॉलम हुआ, ठीक है, इसका जो जंक्शन है, अब यहाँ पे जो हम सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं स्टिरअप्स, ये कम स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर रहे हैं 13920 को फॉलो करते हुए स्टिरअप जो प्रोवाइड कर रहे हैं जंक्शन पे। फिर ये जो डेवलपमेंट लेंथ हम जो डालते हैं इसमें, जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, एंकरेज लेंथ कितना प्रोवाइड करे, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। डिटेलिंग की बात होती है, डिजाइनिंग की बात नहीं होती, वो डिटेलिंग के ऊपर जाता है। ठीक है, फिर टेंसाइल रेनफोर्समेंट कम करते हैं, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट बढ़ाते हैं, वो सब डिटेलिंग की बात है। ठीक है, डिटेलिंग के डिटेल 13920 को फॉलो करते हुए डिटेलिंग करता है एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए हम डिटेलिंग की, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं बिल्डिंग मेरा नॉन लीनियर रेंज में जाने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं। अलाउ कब होगा, जब रेसिस्टिव फोर्स कम होगा, कम कब होगा, जब ये आर ज्यादा होगा, क्योंकि आर मेरा क्या है नीचे में है। ठीक है ना, ये एच वाले वैल्यू में क्या है, Z/2 SA/G और I/R। अब बेस शेयर क्या है मेरा, AH into W। हमें बेस शेयर को क्या कर आर कर दिए, यानी कि हमारा एच बहुत कम हो गया, यानी कि बेस शेयर कम हो गया। बेस शेयर का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम कम बेस शेयर लेके चले हैं, इसका मतलब है कि हमें उसकी डिटेलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। यानी हम बोल रहे हैं कि मेरा बिल्डिंग जो है नॉन लीनियर रेंज में जाए, नॉन लीनियर रेंज में जा रहा है, तो हमें डक्टाइल डिटेलिंग करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जो ये बेस शेयर और जो रूफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ है, हम कह रहे हैं नॉन लीनियर रेंज में जाओ तुम, लेकिन जब जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि डक्टाइल डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो आर क्लियर हो गया, आई क्लियर हो गया,
एसए बाई जी क्लियर हो गया, जेड क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ये टू क्यों दिया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली लोग बताते नहीं है, ये बता दे रहा हूं, ये टू क्यों दिया हुआ। टू आपको दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ बना हुआ था अभी, जो ये जो आप ग्राफ देख रहे थे, ये जो ग्राफ सारा बना हुआ था, ये जो ग्राफ बना हुआ था, ये एसए बाई जी और टाइम पीरियड के बीच जो ग्राफ बना हुआ था, ये मैक्सिमम कंसिडरेबल अर्थक्वेक के लिए बनता है, ठीक है। ये इलास्टिक इलास्टिक स्पेक्ट्रा होता है, इन इलास्टिक स्पेक्ट्रा नहीं, इलास्टिक स्पेक्ट्रा, ये भी ध्यान रख, इलास्टिक इलास्टिक स्पेक्ट्रा, इलास्टिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। यही आर से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो एक्चुअली हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, इन इलास्टिक रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। अब ये जो है मैक्सिमम कंसिडरेबल अर्थक्वेक के लिए होता है, यानी कि जो इसके आने की प्रोबेबिलिटी है ये 2% है लास्ट 50 ईयर में, ठीक है। लेकिन हम इसके ऊपर डिजाइन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, एमसीई लेवल को, हर पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो हमारा ग्राफ बनेगा तो ये भी 2 से नीचे आ जाएगा, सब नीचे आ जाएगा और ये नीचे जाएगा, और ये मेरा होता है डिजाइन बेस अर्थक्वेक के लिए स्पेक्ट्रा जो होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 10% आने की लास्ट 50 ईयर में, ठीक है। तो हम इसके ऊपर से डिजाइन करते हैं कि चलो यार ठीक है यार, हम 2% प्रोबेबिलिटी तो बहुत ये हो गया, अब ये 50 ईयर तो कोई कहेगा सर 2% प्रोबेबिलिटी पे ही कर लेते, इस पे क्यों कर रहे हैं। तो भैया इसका मीन रिटर्न पीरियड होता है 2475 ईयर में खुद को रिटर्न करता है, और ये रिटर्न करता है 475 ईयर में, तो ये 2500 साल में खुद को रिटर्न कर रहा है, तो हम कहे के लिए इसके ऊपर से डिजाइन करें, हम इसके ऊपर से डिजाइन कर ले, इसीलिए हम करते हैं। अब तो अमेरिकन कोड 1% प्रोबेबिलिटी के ऊपर से डिजाइन कर रहा है और वहां पर रिस्क कोएफिशिएंट को लेकर चल रहा है, बहुत अधिक मॉडिफाइड हो गया है, कंटूर बना के काम कर रहा है। आईटी चेन्नई वाले इस फील्ड में काम कर रहे हैं कंटूर के ऊपर, हो सकता है कि अपना कोड कुछ सालों में चेंज हो जाए पूरा का, ठीक है। तो ये अब जेट क्लियर हो गया, एसए बाई जी क्लियर हो गया, आई क्लियर हो गया, आर क्लियर हो गया, और ये टू क्यों आया है ये भी क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से एच निकलेगा और एच यहाँ पे पुट होगा, और डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, ये सेस्मिक वेट निकाल के बीवी निकालते हैं, और ये फिर बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक के रूप में, अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये है तो हर फ्लोर लेवल पे फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम ये जो डिजाइन फोर्स या फिर आप लेटरल फोर्स एट ईच फ्लोर लेवल बोल लीजिए, और एक टर्म आता है और स्टोरी शेयर, स्टोरी शेयर है कि उस स्टोरी पर क्या रेसिस्टिव फोर्स है। तो ये जो अब न्यूमेरिकल जो है, अब आपको इसमें के हर डाटा जो है ये लगभग लगभग मैंने बता दिया है, इसमें जितना भी डाटा यूज होना ये आपको मैंने बता दिया, और कुछ उसके बाद टाइम के साथ आएगा तो वो मैं बता दूंगा। कहां गया इसमें जो इनपुट होना है वो मैंने सब आपको बता दिया, अब आप देख लीजिए, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, रिस्पॉन्स रिडक्शन जो है डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे तो 5 लेंगे, कोड जोन फैक्टर है यहां से सेलेक्ट करेंगे, 4 जोन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस फैक्टर सॉइल टाइप आपको हार्ड सॉइल मीडियम सॉइल सॉफ्ट सॉइल, इंपॉर्टेंस फैक्टर आप यहाँ पे ले लीजिए 1 से 1.5 तक जाएगा, और टाइम पीरियड अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से यूजर डिफाइन कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए और डालिए, नहीं तो प्रोग्राम कैलकुलेटेड पे छोड़ दीजिए, और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये मेरा डिफाइन हो गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। अब इसमें एक चीज और था, ये तो कोड का काम हो गया, कहाँ पे थे हम, हाँ ये एक्सेल शीट का जो न्यूमेरिकल है, अब आप इसको ट्राई करके देखिएगा ये बेस शेयर तक निकालने, ये बेस शेयर तक, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, ये देखिए बेस शेयर निकालने के बाद ये क्या बोल रहा है, क्यू की वैल्यू, क्यू क्या है मेरा डिजाइन लेटरल फोर्स एट ईच फ्लोर, आई फ्लोर जेट जे फ्लोर जेट फ्लोर जो भी है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड, और क्यू निकालने के बाद ये आपका स्टोरी शेयर निकलता है कि उस स्टोरी पर क्या रेसिस्टिव फोर्स है, ठीक है। ये आप मत देखिएगा, लेकिन यहां तक देखिएगा कि ये कैसे निकल रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल लूंगा।